गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यूर स्टूडेंट्स. टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस. तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस करें, क्या उसका टेक्निक्स है. तो उस क्लू को जानेंगे, उस टेक्निक्स को जानते हैं आज कि कैसे किसी भी प्रकार का अगर केमिकल इक्वेशंस हैं तो उसे हम किस तरह से बैलेंस करेंगे. हम यहाँ पे 5 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से लिए हैं, या कुछ इसमें एक्सरसाइज का है और कुछ इनसाइड चैप्टर का है. एनसीईआरटी क्लास टेंथ का हमने ये 4 क्वेश्चन एक्सरसाइज से लिया है, सॉरी 5 क्वेश्चंस. तो ये 5 क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और यदि क्लू को हम समझ लेंगे, टेक्निक्स को समझ लेंगे कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है, तो यह 5 ही नहीं, अगर आपके पास 1000 भी दिए रहेंगे तो आप उस टेक्निक्स का यूज कर करके किसी भी केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर सकते हैं. तो आइए देखते हैं वह क्या क्लू है, वह क्या टेक्निक्स है, वह क्या मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं. तो इसमें लिखा है फर्स्ट में कि हाइड्रोजन, मतलब जब अब किसी भी केमिकल इक्वेशन दिया है तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को सर्च करेंगे, हाइड्रोजन को ढूंढते हैं कि हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है या नहीं है. अगर बैलेंस नहीं है तो सबसे पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे. अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन बैलेंस हो जाए उसके बाद हम ऑक्सीजन को सर्च करेंगे और ऑक्सीजन को बैलेंस करने का प्रयास करेंगे. तो ये इसका टेक्निक्स है. तो सबसे पहले हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे यदि उस इक्वेशन में है तो. और थर्ड में मेटल, जैसे मेटल को कैसे हम पहचान पाते हैं, है ना. तो सबसे पहले यानी थर्ड में जो है हम करेंगे मेटल को बैलेंस करेंगे. जब ये मेटल बैलेंस हो जाता है तो लगभग 90% जो हमारा केमिकल इक्वेशंस है वो बैलेंस की स्थिति में होता है. उसमें अगर 10% बच भी जाता है तो कोई एनी अदर सब्सटेंस को लेकर के बैलेंस करते हैं. तो यही इसका क्लू है, टेक्निक है. ऐसा कभी कभी होता है कि किसी केमिकल इक्वेशन में हाइड्रोजन नहीं रहता है, दैट मीन्स सिर्फ और केवल सिर्फ ऑक्सीजन है. तो हाइड्रोजन जब नहीं है उस केमिकल इक्वेशन में तब क्या करेंगे, हाइड्रोजन के गणना नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे, फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. कभी कभी ऐसा होता है कि ऑक्सीजन है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नहीं है हाइड्रोजन है, तो इस स्थिति में पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे, ऑक्सीजन की चर्चा नहीं करेंगे, और फिर मेटल को फिर एनी अदर करेंगे. यहाँ पे सारे अगर हैं तो नंबर वाइज हाइड्रोजन सबसे पहले, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद मेटल, और उसके बाद कोई अदर. यहाँ देखेंगे यहाँ क्या है, HNO3 प्लस CaOH होल 2 इक्वल्स टू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस वाटर H2O. ये क्या होता है, वाटर होता है. ये हमारा हाइड्रोजन नाइट्रेट कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स टू इच अदर टू फॉर्म कैल्शियम नाइट्रेट एंड वाटर, दैट मीन्स H2O. अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं. चलिए H देखते हैं कि लेफ्ट में कितना H है. H यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, ब्रैकेट के बाहर 2 लगा है, इसका मतलब हाइड्रोजन भी 2 होगा और ऑक्सीजन भी 2 होगा. तो 2 यहाँ है, 1 यहाँ है, 3 टोटल 3 है. LHS में 3 हमारा हाइड्रोजन है. अब हम RHS में देखते हैं हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं. तो इधर 3 है, इधर 2 हाइड्रोजन है, अनबैलेंस है. तो इसे बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगाएंगे. कभी भी हाइड्रोजन के नीचे 2 नहीं लगाएंगे, जब भी लगाएंगे तो उसे उसके कोएफिशिएंट में मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बगल में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से या किसी डिजिट से, नंबर से. तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, 2 हाइड्रोजन यहाँ भी है, टोटल 4 हाइड्रोजन हो गए.
तो यहाँ हम टू लगा देते हैं, तो ऐसा करने से क्या होगा, चार हाइड्रोजन इधर भी हो जाएगा, दोनों साइड में बैलेंस हो गया। ऐसा हमने विचार कर करके बैलेंस कर लिया। अब इसके बाद विचार करते हैं कि ऑक्सीजन के हेल्थ पे क्या डिपेंड, क्या डिफेक्ट पड़ा है, हाइड्रोजन के हेल्थ पे यानी हाइड्रोजन के नंबर पे क्या इफेक्ट पड़ा है, यह विचार करेंगे। LHS में हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 3, 2 या 6, क्योंकि यहाँ 3 है यहाँ 2 लगा हुआ है, तो ये 2 है ना, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होकर के जाएगा, तो 6 + 2 = 8, टोटल हमारा 8 ऑक्सीजन है। यहाँ भी 3, 2 या 6 + 2 ऑक्सीजन यहाँ, यानी 8 ऑक्सीजन यहाँ भी प्रेजेंट है। दैट मीन्स ये जो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। देखिए जब हाइड्रोजन को बैलेंस किए तो हमारा ऑक्सीजन भी ऑटोमेटिक बैलेंस हो रहा है। आगे देखिए मेटल, मेटल इसमें क्या है, कैल्शियम है, तो कैल्शियम यहाँ सिंगल वन है, एक है, यहाँ भी सिंगल वन एक है। अब देखेंगे अदर, दूसरा देखते हैं नाइट्रोजन, देखिए यहाँ पे इधर देखते हैं LHS में नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं, 2 नाइट्रोजन है, यहाँ 2 लगा हुआ है तो 2 नाइट्रोजन यहाँ है, इधर देखेंगे 2 नाइट्रोजन होल्ड 2 लगा हुआ है तो 2 नाइट्रोजन यहाँ भी है। दैट मीन्स अब ये बैलेंस्ड हो गया है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं बैलेंस्ड। तो अब जो है दूसरा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। LHS में देखते हैं हाइड्रोजन का नंबर क्या है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, टोटल 3 हाइड्रोजन है, यहाँ भी क्या है 2 हाइड्रोजन है, तो ठीक ऊपर वाले टेक्निक से 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से 2 हाइड्रोजन यहाँ है और 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 + 2 4 हाइड्रोजन LHS में आ रहा है, और RHS में भी हमारा जो हाइड्रोजन की संख्या है वो 4 है, यानी कि हाइड्रोजन एटम्स 4 LHS में और 4 RHS में बैलेंस्ड। अब ऑक्सीजन के हेल्थ पे देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। इधर देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 4 ऑक्सीजन यहाँ है, टोटल 6 ऑक्सीजन हमारे पास हैं, तो टोटल 6 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, यहाँ देखते हैं 4 यहाँ है, 2 ऑक्सीजन यहाँ, 4 × 2 = 6 बैलेंस्ड हो गया। अब देखते हैं सोडियम का, चूँकि मेटल थर्ड में मेटल है तो सोडियम देखते हैं, 2 सोडियम यहाँ है, यहाँ भी आपका 2 सोडियम है। उसके बाद सल्फ़र देखिए, सल्फ़र हमारा कितने हैं, 2 है ना, सॉरी सल्फ़र हमारा 1 है, और एसिड हमारा सल्फ़र कितने हैं, 1 है, तो ये क्या है बैलेंस्ड है। तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गए, और सोडियम भी बैलेंस्ड है, सल्फर बैलेंस्ड है, दैट मीन्स ये बैलेंस्ड इसको कहेंगे, बैलेंस्ड। अब हम थर्ड में देखते हैं सी नंबर में कि क्या है, यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन को सबसे पहले बैलेंस्ड करते हैं। इसमें देखिए हाइड्रोजन है क्या, ना LHS साइड में हाइड्रोजन है, ना ही RHS साइड में हाइड्रोजन है। एरो का मतलब केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इक्वल टू होता है, तो हाइड्रोजन अब यहाँ पे LHS में नहीं है ना RHS में है, तो हाइड्रोजन का चर्चा छोड़ देंगे, ऑक्सीजन पर विचार करेंगे। हाइड्रोजन नहीं है तो ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन देखेंगे कि ऑक्सीजन LHS में कितना है, 3 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 3 ऑक्सीजन यहाँ भी है, तो बैलेंस हो गया। फिर क्या, किसका नंबर है, थर्ड में मेटल है, मेटल देखें सोडियम भी यहाँ मेटल है और सिल्वर भी मेटल है, तो देखिए सोडियम कितने इधर है, 1 यहाँ भी सोडियम 1, सिल्वर 1 LHS में, राइट साइड में भी 1 सिल्वर है। क्लोरीन को देखेंगे, नॉन मेटल है क्लोरीन, तो यहाँ भी 1 क्लोरीन है, यहाँ भी 1 क्लोरीन, दैट मीन्स ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसे बैलेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, बैलेंस्ड है ये। अब जो है फोर्थ नंबर में देखते हैं BaCl2 + H2SO4 = BaSO4 + HCl, यहाँ भी हाइड्रोजन LHS में कितना है देख लेते हैं, 2 हाइड्रोजन LHS में है और RHS में भी हमारा 1 हाइड्रोजन है, इसलिए यहाँ अगर हम 2 लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस्ड हो जाएगा, फर्स्ट में हाइड्रोजन को ही बैलेंस करना है। अब आता है नंबर ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन देखते हैं LHS में 4 ऑक्सीजन है, RHS में भी 4 ऑक्सीजन है। अब उसके बाद मेटल का नंबर है, तो बेरियम है मेटल हमारा यहाँ,
एक बेरियम है LHS में, तो यहाँ भी RHS में भी एक बेरियम है, दैट मीन्स बैलेंस्ड है। फोर्थ में है एनी अदर, कोई भी। सल्फर को देख लेते हैं, सल्फर हमारा इस साइड एक है मात्र, यहाँ पे है सल्फर, यहाँ भी एक है और कुछ बचा नहीं। क्लोरीन देख लीजिए, क्लोरीन इधर टू है, यहाँ भी टू क्लोरीन, इसमें मल्टीप्लाई क्या हुआ है, इसके कोएफिशिएंट में टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, टू क्लोरीन है, दैट मीन्स क्या होगा, ये बैलेंस्ड है। अब फोर्थ नंबर में, ई नंबर में देखते हैं कि क्या होता है, MnO2 plus HCl। तो MnO2 plus HCl, इसमें देखते हैं हाइड्रोजन सबसे पहले बैलेंस करेंगे, इधर एक हाइड्रोजन है, इधर क्या है, दो हाइड्रोजन है, तो यहाँ हम दो लगा देंगे, तो हमारा दोनों साइड में दो दो हाइड्रोजन है, बैलेंस्ड हो जाएगा। ऐसा करने से इसके बाद किसका नंबर है, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन इसमें देखेंगे, ऑक्सीजन इधर दो है, यहाँ भी हमारा कितना है, एक है, एक ही ऑक्सीजन है इस साइड। तो यहाँ यदि हम दो लगाते हैं तो ऐसा करने से चार हाइड्रोजन बिगड़ जाएगा, हाइड्रोजन कितना होगा इस साइड, चार हो गए, लेकिन इस साइड क्या है, इस साइड दो ही हाइड्रोजन है, तो ऐसा करने से हमारा क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये दोनों साइड को देख कर करके काम करेंगे, दोनों साइड को देख कर काम करेंगे। तो ऑक्सीजन यहाँ पे दो चाहिए, ऑक्सीजन यहाँ पे दो था, इसलिए हमने दो से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से हाइड्रोजन का लाइन और लेंथ बिगड़ गया, चार हाइड्रोजन, तो ऐसा करते हैं यहाँ दो से नहीं, यहाँ चार कर देंगे, तो चार हाइड्रोजन भी आ जाएगा। अब रही बात थर्ड में मेटल है, चौथा नंबर में मेटल है, मैग्नीज हमारा क्या है, मेटल है, मैग्नीज Mn। तो मैग्नीज एक है, मैग्नीज यहाँ भी एक है। अब क्लोरीन पर विचार करेंगे कि क्लोरीन हमारा इधर कितना है, चार है, यहाँ भी Cl2 चार क्लोरीन यहाँ भी है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। तो मैं समझता हूँ कि यह जो है बहुत ही कारगर वीडियो है, जिसको देख लेने के बाद अगर क्लास टेंथ के स्टूडेंट हैं तो उनको भली भांति पूरी तरह से ये समझ में आ गया होगा। और आप इसे टेक्निक के द्वारा काम करेंगे, सबसे पहले हाइड्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद मेटल, और उसके बाद एनी अदर किसी दूसरे सब्सटेंस को बैलेंस करेंगे। अगर केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करनी है तो इसी टेक्निक के द्वारा ये बैलेंस होता है। तो आज का यह क्लास सफिशिएंट समझता हूँ, इसी एक टॉपिक्स पर वर्क करनी थी और आप इसे अच्छे से समझ लें ताकि एग्ज़ाम में किसी तरह का कोई समस्या बैलेंस के रिस्पेक्ट में ना आए। दूसरी बात, इस वीडियो को आप शेयर भी कर देंगे ताकि वह विद्यार्थी भी देख पाए, वह विद्यार्थी भी लाभ इसका ले पाए जो इससे अब तक वंचित है, और यह एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उपयुक्त इम्पॉर्टेंट भी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे आगे शेयर भी करेंगे और आप तो देख करके लाभ उठाएंगे ही। तो आज तक इतना ही सफिशिएंट है, थैंक यू।